बोल दिया तो हमारे जो प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं अनुराग भट्टाचार्य जी जो बैठे हैं पैनल पे, उन्होंने कहा नहीं भोद्रो होगा, भा में ओ की मात्रा होगी। दादा मैं कह सकता हूँ मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मे भी कुछ गलत हो सकता है, लेकिन मेरी भावनाएं बिल्कुल ठीक हैं और दुरुस्त हैं, और मैं पूरा बंगाल का टूर करके आया हूँ और पूरा स्नेह का भागी बना हूँ वहाँ पे, मेरी भावनाओं में कहीं भी कोई खोट नहीं है। लेकिन हाँ, निशिकांत जी कह रहे हैं जो कि 3 बार के सांसद हैं कि महुआ मित्रा ने अपमान किया है। जी ऑफकोर्स, मैं वहीं आ रहा हूँ और सीधे नवल किशोर जी आपके पास। जी आप हाथ उठा रहे थे। देखिए बात जो इतनी बात इसमें जो हो रही है उसमें एक आदमी कह रहा है कि गाली दिया है, दूसरा कह रहे हैं कि वो हमने हमसे वहां उनकी मुलाकात बैठक नवल जी नहीं। बात गाली की तो है ही नहीं, एक तरफा नवल जी बात गाली की नहीं है, तथ्य पे आइए। तो पहला राउंड में हो गया, आप मुझे ये बताइए आखिर है क्या मसला, ये है क्यों बिहार और वो लोग कह रहे हैं बिहार मसला ये है फुटबॉल ही बने रहेंगे, इसके पीछे का तथ्य क्या है वो आप बताइए मुझे, राजनीति बताइए, बाकी लोग तो सब क्लियर हो गई बात, तो अब आगे की बात बताइए नवल जी। मसला ये है कि देश में जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, तो ये भटकाने का एक सबसे आसान तरीका है। आप कहते हैं ना किसी को आरोप लगाओ और उस पर हल्ला करना शुरू कर दो तो अपने आप ध्यान भटक जाएगा, ये इनका टेस्टेड मेथड है जो कि अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि नीट के संदर्भ में भी देख लीजिए कि पिछले 5 साल में ओबीसी का आरक्षण से रोका जा रहा था, जब इतना उठाया गया इस मसले को तो आज जाकर सरकार मानती है और नीट में आरक्षण देने की बात करती है। 5 साल तक कम से कम 15,000 लोगों के साथ अन्याय करने के बाद यहाँ पे हमारे मित्र भाजपा के बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई। अरे बीजेपी और जदयू के दोनों मुखिया 2005 से लेकर एक विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, वो चाहे सुशील कुमार मोदी हो या नीतीश कुमार हो, वो विधान परिषद में जाते रहे, वो तो विधानसभा चुनाव लड़ने का हिम्मत ही नहीं किए। अब क्या बात करते हैं, जो लोकप्रियता आंकने का सवाल है जिसमें कि 15 साल तक लगातार और लगातार 3 बार वो विधान परिषद में जाते हैं और इस बार जिसके लिए वोट मांग रहे थे वो पार्टी 3रे स्थान पे चली गई, उसको आप नेता मानते हैं। 30 साल से बिहार में आपके पास कोई नेता नहीं हुआ जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ सकें, आप क्या बात करेंगे। ममता बनर्जी ने तो आपको बहुत बड़ी हार देकर वहां से भेजा, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा मोदी जी, गृह मंत्री, सारे मंत्री वहां पर बैठे थे, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार है बंगाल में। नवल जी प्रधानमंत्री के फेस के रूप में स्वीकार है, फिर सवाल सीधा है। देखिए उस मुद्दे देखिए जब वो मुद्दा बात होगी तो बात करेंगे, दल बात करेंगे उस पे, दल के नेतृत्व बात करेंगे, आज तो मुद्दा है नहीं है। आज मुद्दा है कि देश का किसान परेशान है, देश में सब लोग परेशान है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, केवल झूठ बात कर रही है। मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन, गुरुप्रकाश सारा मुफ्त इलाज, ये सारा तो ढकोसला ही है ना, इसमें कहां सुनील नवल जी जी नवल जी हमारे कहा सच्चाई है और बहुत जो हर एक दरवाजे पे नवल जी आप लिख रहे हैं कि सुन लीजिए, आप किस बात के नेता हैं मोदी जी, लाशें तैर रही थी नदियों में उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद दिया जाए, आप बोल लीजिए। सर आपका टाइम है सर, आज पैनल बड़ा है सर, आपका टाइम है, गुरुप्रकाश जी प्लीज आप स्नैच करिए वो टाइम, आपका टाइम है, कोई नहीं बोलेगा सर, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए गुरुप्रकाश जी, हाँ नवल जी, देखिए प्रतीक जी ऐसा है कि नवल जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व के लोग हैं, लेकिन जब इस प्रकार की सतही बातें करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, इस प्रकार की सतही बातें नहीं करना चाहिए। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ, तेज प्रताप यादव ने अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल दिया और फिर आप बीच में बोलते रहिए आप बीच में, देखिए नवल भाई मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, बीच में बोलना ठीक नहीं है, डिबेट का एक सिस्टम होता है, डिबेट की अपनी शैली होती है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपको कि आज देश में एक बुनियादी परिवर्तन आया है, शुद्ध रूप से परिवारवाद, जातिवाद, व्यक्तिवाद, व्यक्ति नहीं विचार चलेगा इस देश में, और लगातार देश के 135 करोड़ लोगों ने जनादेश के माध्यम से आशीर्वाद दिया गया है और अब आप बता रहे हैं, अब राष्ट्रीय जनता दल के लोग ज्ञान ना दे, राष्ट्रीय जनता दल के लोग ज्ञान ना दे, जंगल राज, किडनैप, रेप, नरसंहार, बिहार को याद है। आप राष्ट्रीय जनता दल में आइए, आप देखिए राष्ट्रीय जनता दल का यही दुर्भाग्य है, जंगल राज का पर्यायवाची
पर्यायवाची बन चुका राष्ट्रीय जनता दल, भ्रष्टाचार में लिप्त बेल पे बाहर है, चारा घोटाला करते हैं बेल पे बाहर है आपके नेता, और आप सम्मान की बात करते हैं। प्रतीक जी देखिए, ये लोग बरगला गए हैं, ये लोग भटक गए हैं, ये लोग भटक गए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और देश को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन देश के सामने इनका चेहरा स्पष्ट हो गया है, देश के सामने इनका चेहरा स्पष्ट हो गया है। जरा देख लीजिए आप, नतीजे देख लीजिएगा चुनाव के, जनता पार्टी के आप चुनाव के नतीजे देख लीजिएगा, सुनील यादव फिर अरविंद वाजपेयी जी रिस्पॉन्ड करेंगे। सुनील जी बोलिए। देखिए प्रतीक जी, आज मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि लोग ये कह रहे हैं टीवी डिबेट पर कि लोग यूपी और बिहार के लोगों को कितना कमजोर मानते हैं कि उन्हें गुंडा कह रहे हैं। अरे भाई, यूपी और बिहार पॉलिटिकली कैसे कमजोर हो सकता है जब प्रधानमंत्री बनने के लिए गुजरात से लोगों को उत्तर प्रदेश आना पड़ता है। मैं रोकता हूं सर, आप कह रहे हैं ना पॉलिटिकली सर, मैं रोक रहा हूं। बहुत ये मेरे पास अधिकार है। आप कह रहे हैं ना, राहुल गांधी का आपको स्टेटमेंट याद ही होगा, उन्होंने कहा ही था। और दूसरी बात, यही मोइना मित्रा का भी कहना है कि तमिलनाडु और बंगाल के अगर सीट्स मिला लेंगे तो जरूरी नहीं है कि उत्तर भारत में प्रूफ करना ही पड़े, वो तो सीटें नंबर ज्यादा ही है। आप कहते रहिए पॉलिटिकली, और सिर्फ उत्तर भारत में ही क्यों प्रूफ करने की, देश में कहीं से भी कुछ चीजें आ सकती हैं, प्रधानमंत्री से उत्तर भारत का ही क्यों होगा, ये भी बात हो सकती है। जी अब आप आइए सुनील जी, अब आप कहिए। हाँ, देखिए ये बहस प्रतीक जी इसलिए है कि मैं गुरुप्रकाश जी को सुन रहा था, बीजेपी कभी नहीं चाहती कि बहस काले धन पर हो, स्मार्ट सिटी कितनी बनी इस पर बहस हो, रोजगार आप कितने दे पाए इस पर बहस हो, कितने नए उद्योग 14 से आए हैं देश में इस पर बहस हो, महंगाई कहां पहुंच गई, अर्थव्यवस्था कहां गिर गई, चुनी हुई जनता द्वारा चुनी हुई सरकार पत्रकारों की, विपक्ष की, उद्योगपतियों की, यहां तक अपने नेताओं की जासूसी करा रहे हैं, इस पर बहस हो, इसलिए ये बड़े मुद्दे छोड़कर कि भाई यूपी को गाली दे दी गई, बिहार को गाली दे दी गई। देखिए देश में किसी को गाली नहीं दी जा सकती, और कम से कम यूपी और बिहार पॉलिटिकली कमजोर नहीं है। हम फिर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री 14-19 हुए हैं और 24 का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश तय करेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार या देश के किसी कोने को कमजोर मत मानिए। हम किसी को नहीं मालूम सर, प्रकाश रॉय जी क्या कहते हैं, हमारा अगर ये शरीर है भारत माता है, क्या कहते हैं, भारत माता के अरविंद वाजपेयी जी, अरविंद वाजपेयी जी के पास आता हूं कि उत्तर प्रदेश तय करेगा, हिंदी भाषी चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। जी स्वयं प्रकाश रॉय जी, जी फिर बोल, हां बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि उनका कहना है सुनील जी का कि उत्तर प्रदेश ही तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा 24 का, एकदम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें।